और अब चलिए बात करते हैं पड़ोसी देश की। वहां पर काउंटिंग चल रही है, क्या हलचल है सब बताएंगे। कौन बनेगा पाकिस्तान का हुक्मरान, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान में चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि रुझानों में इमरान के समर्थक जो उतरे थे निर्दलीय उम्मीदवार, वो सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ की पार्टी और तीसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो की पार्टी है। अपडेट हम आपको दे रहे हैं, तीन नंबर पर बिलावल भुट्टो वाली पीपीपी, नवाज शरीफ वाली पीएमएलएन, दो नंबर पर और पीटीआई समर्थित जितने उम्मीदवार थे इमरान खान वाले, वो सब एक नंबर पर आगे चल रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं। उनके पास क्योंकि पार्टी का सिंबल नहीं था तो वो निर्दलीय चुनाव में उतरे थे, इंडिपेंडेंट। और अब की बार यही लग रहा है कि अगर ये रुझान आंकड़ों में तब्दील होते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतते रहे, तो इमरान खान का बोलबाला होगा इस चुनाव में भी, क्योंकि नवाज शरीफ की जो पार्टी है वो अभी दो नंबर पर है और बिलावल भुट्टो की पार्टी तीन नंबर पर है। आरजू काजमी जुड़ गई हैं हमारे साथ पाकिस्तान से। आरजू जी, बहुत खैर मकदम है आपका, ये बताइए पाकिस्तान में अभी क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है आपको अपडेट्स? देखें, अभी तो 50% रिजल्ट्स भी नहीं आए हैं, रिजल्ट्स को स्लो कर दिया गया है या रोक दिया गया है, बहुत आराम आराम से रिजल्ट्स बताए जा रहे हैं। तो अभी तक तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वही आगे हैं, नवाज शरीफ साहब दूसरे नंबर पर हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनकी पार्टी जो है वो तीसरे नंबर पर है। लेकिन लग यही रहा है कि अभी जब रिजल्ट्स आना शुरू होंगे तो ज्यादा इंडिपेंडेंट या इमरान खान की पार्टी के लोग ही जीतेंगे, मगर बाद में क्या उनको गवर्नमेंट बनाने दी जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि लग यही रहा है कि कभी भी पाकिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट नहीं बनी जिसने अकेली पार्टी ने पूरी गवर्नमेंट बनाई हो, तो कहीं ना कहीं पे जो लोग लाते और ले जाते हैं पाकिस्तान में वो यकीनन अपना काम कर रहे हैं, इसीलिए स्लो डाउन किया गया है रिजल्ट्स को और रिजल्ट्स को रोकने की कोशिश की जा रही है, ये भी हर तरफ से आवाज़ आ रही है। कल पूरा दिन जो है इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद थी, आज सुबह जाकर इन्होंने ये सब कुछ ठीक किया है, लेकिन रिजल्ट्स फिर भी नहीं आ रहे। देंगे एक बड़ी खबर आ गई है, वो पहले जानिए पाकिस्तान के चुनाव आयोग के हवाले से, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। पीटीआई समर्थित 8 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली है, चुनाव आयोग ने जीत की पुष्टि भी कर दी है। पीएमएलएन 7 और पीपीपी 5, पीएमएलएन 1 सीट पर जीती है, ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। पीटीआई समर्थित 8 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली है, वो कौन कौन से उम्मीदवार और किस सीट से हैं जलालुद्दीन? 8 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। जी बिल्कुल, एक उम्मीदवार ये जो है वो लाहौर से हैं और बाकी जो सबसे जो जिस सीट पर गहरा जो हमारा हमारी नजर बनी हुई है वो नवाज शरीफ की सीट है, और उस सीट को कुछ 72% तकरीबन उसका रिजल्ट आया, तो अभी तक काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं, वो रिजल्ट वहीं पे रुका हुआ है। अब आप देखें कल शाम 5 बजे पोलिंग ख़त्म हुई और तब से लेके अब तक इतने घंटे गुजर चुके हैं, इतने घंटे गुजर जाने के बावजूद इस तरह आप देख रहे हैं नेशनल असेंबली की अभी सिर्फ 5-5, 7-7 सीटों की जो खबरें मौसूल होना शुरू हुई हैं, लेकिन ये बहुत स्लो ये जो प्रोसेस है वो सारा हो रहा है। तो ये स्लो प्रोसेस जिस तरह स्लो हो रहा है इसी तरह हमारे जो शकुको शुबहात हैं वो भी बढ़ रहे हैं, सारे डाउट्स भी जो है वो बढ़ रहे हैं। और पीटीआई ये बार बार ये इल्ज़ाम लगा रही है कि फॉर्म 45 का जो है वो मसला वो बनाया जा रहा है कि फॉर्म 45 में जो चीज़ें हमारे पास आई हैं लेकिन वो फॉर्म 47 में वो इलेक्शन कमीशन जो रिजल्ट दे रहा है उसमें वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं। तो जाहिर है ये बाद में ये यही समझा जा रहा है कि इसको रीकाउंटिंग को कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि मामला इतना आसान होता नहीं दिख रहा है, जिस तरह से हालात है और पेचीदगी इसकी बढ़ने वाली है। आप हमारे साथ बने रहिए जलालुद्दीन, एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो दर्शकों को बता दूं पाकिस्तान में चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है। जियो न्यूज के हवाले से यह खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इमरान समर्थक निर्दलीय उम्मीदवारों का आरोप है कि इमरान का समर्थन ना करने का दबाव है। जियो न्यूज के हवाले से यह बड़ी खबर है, 35 उम्मीदवारों ने दबाव बनाने का आरोप लगाया है, तो दबाव बनाया जा रहा है जो इमरान समर्थित कैंडिडेट हैं उन पर, और सेना भी इन चुनावों में एंट्री मार चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता की जो कल्पना है वो सेना के बगैर नहीं की जा सकती। आशीष सिंह हमारे डिफेंस एडिटर, में आपको उनके पास लिए चलूंगा। आशीष, मुझे एक बात समझाइए कि जो लगातार ये सेना कर रही है, चुनाव चल रहे हैं तो वो एक अलग
बॉडी है, अलग एक संवैधानिक बॉडी है, वो अब सेना आकर उसमें चुनाव के लिए बधाइयां देती हैं। और अब ये भी आरोप लगने लगा है कि 35 उम्मीदवारों पर ये दबाव बनाया जा रहा है अलग अलग, तो कहां जा रहा है पाकिस्तान? आगे की तस्वीरें आप ये कैसे देखते हैं सेना के रोल को? देखिए, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में एक संवैधानिक बॉडी होनी चाहिए, है कितनी नहीं है, प्रैक्टिकली वो कितना कर पा रहे हैं अपना संवैधानिक काम, ये तो सबको दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि आपके सेना वाले प्रश्न का उत्तर दूं, मैं दर्शकों को जरूर एक पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा। जनरली अगर आप देखेंगे पिछले जितने भी पाकिस्तान के रीसेंट हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे इलेक्शंस हुए हैं, तो इस समय तक यानी कि लगभग सुबह के 10-11 बजे तक पूरी की पूरी पिक्चर इलेक्शन वोटिंग के अगले दिन क्लियर हो जाती है। लेकिन अभी पिक्चर जब जो कल देर रात तक क्लियर हो रही थी, उसे और धुंधला किया जा रहा है। आप ये मान के चलिए कि इसके आगे स्टेप्स क्या होंगे, पाकिस्तानी आर्मी स्कोप देख रही है इस धुंधले पिक्चर में अपना रोल और स्ट्रांगली कर पाए, ऐसा है। और सारी जो बैकग्राउंड चीजें चलती हैं कि जिस तरह से हमने ब्रेकिंग न्यूज बताई अभी कि कैंडिडेट्स पर दबाव बनाया जा रहा है, पार्टीज के बीच में किस तरह से इंटरफेरेंस किया जाए, ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन अंततः ये मुझे सीधा सीधा साफ दिखाई दे रहा है कि ये मामला जाएगा कोर्ट में, और यही एग्जैक्टली पाकिस्तानी आर्मी के लिए फेवर भी होगा। एक अंडरकरंट वाला एस्पेक्ट बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, ये केवल और केवल वोटिंग के नतीजे के समय हम दर्शकों को नहीं कह सकते, बल्कि पिछले कई हफ्तों से जो जिस तरह से गतिविधियां हो रही थी, और उसी पर मैं आरजू से एक प्रश्न भी पूछना चाहूंगा और चाहूंगा कि वो दर्शकों को हमारे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सके। आरजू, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या इसका अंडरकरंट था? क्योंकि इसके मायने दो साफ साफ हैं कि भले ही बहुत ज्यादा इमरान खान और पीटीआई को लेकर बहुत ज्यादा पब्लिकली या फिर एक रुझान के पॉइंट ऑफ व्यू शुरुआत में नहीं दिखाई दे रहा था इलेक्शन से ठीक पहले, लेकिन ये नतीजे दिखा रहे हैं कि उनके वोटर्स साइलेंट थे, और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और दूसरा महत्वपूर्ण अंडरकरंट ये कि क्या इतनी आसानी से पाकिस्तानी आर्मी के चेहरे पर जो तमाचे पड़े थे, जो वायलेंस हुआ था, उसको एक तरह से पब्लिक ने एक्नॉलेज किया है, उसे सही ठहराया है, इस रिजल्ट के ये भी मायने हैं। देखिए, इस रिजल्ट्स के मायने ये हैं कि इमरान खान को जो अरेस्ट करके डिफरेंट केसेस उन पे बनाए गए, उससे इमरान खान को हीरो बना दिया गया जो वो पहले नहीं थे। और यही लग रहा है कि जो लोग पहले उन्हें वोट नहीं करते थे वो भी अब उन्हें वोट करने लगे। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो इंडिपेंडेंट लोग जीते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो आए हैं, वो इमरान खान के साथ ही रहेंगे आखिरी तक? हो सकता है कहीं से प्रेशर आए और वो किसी दूसरी पार्टी के साथ मिल जाए और फिर कोलिशन की गवर्नमेंट बनाई जाए जो कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी की हो। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल दिखाई देता है आरजू कि इमरान खान भले ही इंडिपेंडेंट नहीं, मतलब अकेले नहीं, लेकिन बाकी छोटे ग्रुप्स या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को लेके क्या ये प्रैक्टिकली संभव भी है? क्या ये जिस तरह से हालात बने थे वायलेंस के कुछ महीने पहले, उसके बाद में ये होने दिया जा सकता है? देखिए, इमरान खान के आने के चांसेस तो बहुत कम है कि इमरान खान को बाहर निकाला जाएगा या उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, उसके चांसेस तो लोगों को इतने नहीं लग रहे। लेकिन ये जरूर लग रहा है कि इमरान खान के लोगों को इस्तेमाल करके कोई और पार्टी सामने आए, चाहे वो पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो, उनके किसी कैंडिडेट को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए या गवर्नमेंट बनाने के लिए कहा जाए। और अगर इमरान खान की पीटीआई ने गवर्नमेंट बनाई तो उसमें इमरान खान जो है वो दिखाई नहीं देते। बिल्कुल, इमरान खान की पार्टी बन जाए, आगे या जीत जाए, उनकी गवर्नमेंट बन जाए, फिर भी इमरान खान एज ए लीडर तो नहीं दिखा देते। विवेक, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जिस तरह से चैलेंज किया गया था पीटीआई वर्कर्स द्वारा, एक तरह से जो भी वायलेंस हुआ था और उसके बाद में जो लीगल प्रोसीडिंग हुई, इमरान खान के पार्टी वर्कर्स, उनके वोटर्स, जो कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि साइलेंट वोटर्स थे, उन्होंने बाउंस बैक किया और इमरान खान को एक सिंपैथी भी मिली है इस पूरे प्रकरण से। जैसे हिंसा हुई और जैसे वहाँ की सरकार ने किया इमरान खान के साथ, जेल में डाला, और उसके बाद ये पूरी सिंपैथी मिली है। इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो बता दूं दर्शकों को, रिझानों में इमरान समर्थकों ने और अपनी जीत दर्ज की है और वो आगे निकले हैं। इमरान समर्थक 10 सीट पर जीते हैं, नवाज की पार्टी 8 सीट पर जीती है, नवाज शरीफ की जो पार्टी है पीएमएलएन वो 8 सीटों पर जीती है और इमरान समर्थक जो हैं वो 10 सीट पर जीते हैं। तो ये
कुल मिलाकर 24 सीटों के नतीजे अब तक आ चुके हैं। इमरान समर्थक 10 सीट पर जीते हैं और नवाज की जो पार्टी है वो 8 सीट पर जीती है। जलालुद्दीन हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। जैसा कि आरजू काजमी बता रही थी कि अगर पीटीआई के जो समर्थक हैं वो जीतते भी हैं तो जरूरी नहीं कि इमरान ही प्रधानमंत्री बने, इसकी कितनी संभावना है? जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। जो जैसे हमने देखा कि जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, वो भी इसी तरीके से गिराया गया कि वो वजीर आजम थे और उनके जो उनके अलायंस में जो पार्टीज थी उनको अलग करके दूसरी जमातें जैसे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, इनमें शामिल करके एक पीडीएम जो है वो बनाई गई, एक तरह की इकट्ठी जिसको कहते हैं। उन्होंने जो है अदम एतमाद करके इमरान खान को हुकूमत से निकाला। तो वही सिनेरियो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी और अगर पीएमएलएन यहाँ पर अलायंस कर लेती हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल बहुत ज़्यादा है क्योंकि पहले भी ये इस अलायंस में रह चुके हैं। तो और ये दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि इमरान खान के खिलाफ हमने देखा है कि ये सारी पार्टीज मिलके एक साइड पे हो जाती हैं, सिवाय एक पार्टी जमात इस्लामी, क्योंकि जमात इस्लामी जो है वो इमरान खान के हक में हमने देखा कि पहले मेयर के इलेक्शन में भी उन्होंने इनके साथ अलायंस किया और वैसे भी वो ये सारे पास जो 9 मई के बाद जो इंसिडेंट हुए उसके बाद सिर्फ एक पार्टी जो इमरान खान का हामी पार्टी दिखाई दे रही थी वो जमात इस्लामी है। तो बिल्कुल इस तरह का अलायंस पॉसिबल है और इसके बिल्कुल चांसेस है। आईपीपी के जो रहनुमा है जहांगीर सिंह की जो पार्टी है वो ये क्लेम कर चुकी है, पीपल्स पार्टी भी ये क्लेम कर चुकी है कि हमारे रास्ते हैं पीटीए के कैंडिडेट्स के साथ जो इलेक्शंस के पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो अभी भी वो कह रहे हैं कि 25 से 30 जो बंदे हैं वो उनके साथ रास्ते में हैं और पीपल्स पार्टी के जो बिलावल हैं वो तो अपने जलसों में इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं कि पीटीए के साथ बहुत जुल्म हुआ है तो आप पीपल्स पार्टी को वोट डालें, ठीक है। तो वो ये बिल्कुल ये शो करवाना चाह रहे हैं कि आप पीटीए को छोड़ के ये इलेक्शन से पहले ही उनको हम चाहे दो अलग अलग पार्टीज हैं लेकिन एक साथ हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, बड़ी अपडेट पाकिस्तान में, फिर से एक बार आंकड़ा बदला है। अब की बार नवाज शरीफ की पार्टी आगे निकली है, काउंटिंग जारी है, आंकड़े बदल रहे हैं। नवाज शरीफ की पार्टी आगे निकली है 13 सीटों पर और इमरान समर्थक जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो 11 सीट पर हैं। बिलावल भुट्टो की पार्टी जो है पीपीपी वो 6 सीटों पर है। पाकिस्तान में आंकड़ा एक बार फिर बदलता हुआ दिख रहा है। आरजू जी, ये खेल बदल जाएगा क्या? देखिए, नवाज शरीफ को वापस लाया गया है, नवाज शरीफ के सारे केसेस खत्म कर दिए गए हैं और वही सारे केसेस इमरान खान पे ऑलमोस्ट। तो जरूर लग यही रहा है कि कहीं ना कहीं ये रिजल्ट्स जो हैं वो चेंज होंगे और नवाज शरीफ को लाना जो है, जो कि जाहिर एस्टेब्लिशमेंट लाई है, वरना तो वो लंदन में कब से बैठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। रिजल्ट शाम तक काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, ये आंकड़े जो हैं वो सही लग रहे हैं का? और इसके साथ साथ एक और बात बता दें कि दूसरी पार्टी है, जैसे है कि लोग कह रहे हैं कि पीपीपी जो है बिलावल भुट्टो वो किंग मेकर बन सकते हैं, जैसा हमारे संवाददाता भी बता रहे थे। तो पीटीआई के जो समर्थित कैंडिडेट हैं और बिलावल भुट्टो की पार्टी, क्या ये दोनों मिलकर भी सरकार बना सकती है, इसकी कितनी संभावना है? किंग मेकर तो एक ही होता है पाकिस्तान में और वो होता ही है पाकिस्तानी आर्मी। नंबर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने नंबर्स अपने जोर के हिसाब से वो दिखा लेते हैं, जीत लेते हैं। देखिए, एक ज़रूरी पहलू यहाँ पर मैं दर्शकों को ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा। अगर इतनी आसानी से नवाज शरीफ पीएमएलएन और अलायंस को सरकार बनाने मिल भी जाए तो फिर आप मानिए कि इमरान खान का जो नतीजा जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी ने भुगता था वो तो फिर नवाज शरीफ भी कर सकते हैं और उनकी अलायंस भी कर सकती है। क्यों ना ये सरकार बनाने की प्रोसेस को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, जिसकी तस्वीर अभी हमें देखने मिल रही है। एग्जैक्टली यही चीज़ पाकिस्तानी आर्मी करती हुई नज़र आ रही है कि सरकार भले ही बन जाएगी लेकिन उनके लिए इतनी आसान नहीं होगी, ताकि अगले आने वाले सालों में ये हक से बोला जा सके पाकिस्तानी आर्मी ऐसा द्वारा कि देखिए हमने सरकार बनाई थी, आपने नहीं बनाई थी जी, और तभी कंट्रोल में रहेंगे। तो ये एक पर्दे के पीछे की एक बड़ी कहानी निकलकर अगले कुछ घंटों में सामने आ सकती है। तो ये आर्मी ये चाहेगी कि इन पार्टियों को, सभी राजनीतिक पार्टियों को इतना ज़्यादा उलझा के रखा जाए कि अपना फायदा साधा जा सके। तो जो पड़ोस में काउंटिंग चल रही है उससे जुड़ी हर अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान में चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर जानिए। पाकिस्तान में इमरान खान दोपहर में वीडियो मैसेज जारी करेंगे।
अभी जेल में है इमरान खान, भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है। दोपहर में वो एक वीडियो मैसेज भी जारी करेंगे। अभी जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई के समर्थन में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतरे थे वो आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी कुछ देर पहले आंकड़े ये बदले थे, उस समय नवाज शरीफ की पार्टी के जो थे उम्मीदवार वो आगे चल रहे थे। जलालुद्दीन भी हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा। वीडियो मैसेज जारी करेंगे, इसके पीछे के क्या कारण होंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं इमरान खान अपने समर्थकों को, लोगों को? तो देखिए ये कुछ भी हो सकता है इसमें, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते रहे हैं पीटीआई के। हमने देखा कि चूंकि वो जेल में है तो पीटीआई ने काफी ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया, क्योंकि जाहिर है जब ये कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे वगैरह करते थे तो उनको उनकी पकड़ धकड़ हो जाती थी, तो उसके बाद उन्होंने वर्चुअल जलसे वगैरह करने शुरू कर दिए। तो एआई को यूज करके उनका कोई उनसे मुलाकात करके एआई की तरफ से पैगाम पहुंचाया जाएगा, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। उसमें नेक्स्ट जो इन्होंने इनकी प्लानिंग है या जो भी ये करना चाहते हैं वो उनका उनमें ये वो चीजें शामिल होगी। और साथ ही साथ में ये डिले का आपको बताता चलूँ कि ये जो डिले हो रहा है उसमें पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो पाकिस्तान को कह रही हैं कि ये इस तरह के मतलब मामलात से रिगिंग का इम्पैक्ट जो है वो बढ़ रहा है, और साथ ही साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है कि कुछ जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो काफी नुकसान में जा रही है डिले। सैयद जलालुद्दीन आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त का नया आंकड़ा आ गया है, फिर से टैली बदली है पाकिस्तान में, वो जान लीजिए। पाकिस्तान में 34 सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं। 34 सीटों में क्या क्या आया है, इमरान समर्थक जो कैंडिडेट्स हैं वो 12 सीटों से जीते, नवाज की जो पार्टी है वो 13 सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है, और बिलावल की पीपीपी 8 सीट पर जीती है। जलालुद्दीन ये पूरी तस्वीर कब तक साफ हो पाएगी ये बताइए, और ये जो आंकड़ा बदला है इसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं उनका नाम भी बताइए। देखिए जी, रात को हम ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि सुबह हुकूमत पीटीआई किस तरह बनाएगी, ये सारे मामला किस तरह होंगे, लेकिन अब सुबह उठे हैं और ये सारे मामला देखे तो देखिए आप पूरी पिक्चर जो है वो बिल्कुल तब्दील होती नजर आ रही, क्योंकि जिस तरह फिगर्स अप डाउन 12-13 का जो फिगर चल रहा है तो अभी लग रहा है कि मुकाबला अभी और चलेगा। अब ये पीटीआई ऊपर जाएगी या पीएमएलएन ऊपर जाएगी, ये सारे मामला जो है ये कुछ ही देर तक जिस तरह जो इलेक्शन के रिजल्ट आते जाएंगे वो हम देखेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी बताता चलो कि मरियम औरंगजेब कुछ घंटे पहले ये कह चुकी हैं कि हम सेंटर में हुकूमत बनाएंगे और पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। तो पीएमएलएन अब सुबह जाके, क्योंकि रात को उनकी तरफ से कोई किसी किस्म का बयान नहीं आया, कोई व्यक्ति स्पीच वगैरह नहीं आई जो पीटीआई की तरफ से आ गई, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सुबह होते होते अब नए बयान सामने आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस वाले बयान सामने आने लगे हैं। वो कहने लगे हैं कि नहीं हम सरकार बनाएंगे, और रात को कोई बयान सामने नहीं आया था। लंबा वक्त खींचा जा रहा है रिजल्ट आने में, गड़बड़ झाला तो पाकिस्तान में चल ही रहा है।